हेलो स्टूडेंट्स, अभी तक हमने स्ट्रक्चर टॉपिक में समझा स्ट्रक्चर का इंट्रोडक्शन, डिक्लेरेशन, इनिशियलाइजेशन, एक्सेसिंग स्ट्रक्चर वेरिएबल्स एंड मेंबर्स, और हमने ये भी समझा कि स्ट्रक्चर का एरे किस प्रकार बनता है। हमने उसमें ये देखा कि हमारे वेरिएबल्स जो स्ट्रक्चर के हम बनाते हैं, डिक्लेयर करते हैं, उनका हम एरे किस तरीके से कर सकते हैं, और हम उन्हीं एरेज पर हम हमारे जो भी एरेज के कैलकुलेशंस थे वो हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। हमने एक प्रोग्राम भी करा और उस प्रोग्राम में हमने मेंबर्स में से एक मेंबर का कंपैरिजन करके मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एलिमेंट भी निकाली थी। अब हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं स्ट्रक्चर ऑफ पॉइंटर या फिर पॉइंटर टू स्ट्रक्चर। हम यहाँ पे ये समझेंगे कि जैसा हमारा पॉइंटर्स का काम वेरिएबल्स और हमारे एरेज के साथ था, क्या वही काम स्ट्रक्चर के साथ भी होता है। सो हमारे पास जो पॉइंटर की बेसिक डेफिनेशन थी वो ये थी कि पॉइंटर क्या होता था, इट स्टोर्स द एड्रेस ऑफ अनदर वेरिएबल। दैट मींस अगर मेरे पास एक वेरिएबल है ए जिसकी वैल्यू है 10 और उसका बेस उसका जो एड्रेस है वो क्या है 100, तो मेरे पास अगर एक पॉइंटर है पी वो क्या सेव करेगा, इस वेरिएबल ए का एड्रेस। तो ये होता था हमारा पॉइंटर। एरेस के टाइम पर भी हमारे पॉइंटर का मतलब तो यही था कि अगर हमने एक एरे बनाया है ए और उस एरे में 5 एलिमेंट्स है, 0, 1, 2, 3, 4 वैल्यूज है उनकी, 1, 2, 6, 8, 7, और हमारा इसका एरे का बेस एड्रेस है 100, दैट मीन्स 1000 से है। और अगर हम इस प्रकार कुछ लिखते हैं कि एक पॉइंटर बनाते हैं हम और वो पॉइंटर पॉइंट कर रहा है किसे, एरे के बेस एड्रेस को, तो कुछ इस प्रकार लिखते थे हम पॉइंटर पी इक्वल्स टू, हमें एंड ऑफ ए इस प्रकार लिखने की सिर्फ एरे में वेरिएबल में जरूरत पड़ती थी। बट जब हम एरेज में लिखते थे तो किस प्रकार लिखना पड़ता था, पॉइंटर पी इक्वल्स टू ए। तो इस लाइन का मतलब क्या होता था, इस लाइन का मतलब था कि पॉइंटर पी किसे पॉइंट कर रहा है, हमारे एरे के बेस एड्रेस को। दैट मीन्स जो पॉइंटर है हमारा पी वो क्या सेव कर रहा है, फर्स्ट एलिमेंट का एड्रेस। और जो हमारा एरे होता था वो भी हमारा, जैसे ए है यहाँ पर, वो भी एक इंटरनल पॉइंटर वेरिएबल की तरह काम करता था। ये सब हम पॉइंटर के बारे में अभी तक जान चुके हैं और हमने ये भी जाना है कि कॉल बाय रेफरेंस में फंक्शंस के टाइम पर पॉइंटर की क्या वैल्यू होती है। अब हम यहाँ पर समझेंगे कि पॉइंटर्स हमारा स्ट्रक्चर में किस तरीके से काम आता है। हमारे स्ट्रक्चर के जो वेरिएबल्स बनते हैं, जैसे कि मेरे पास जो स्ट्रक्चर था एम्प्लॉय struct emp लिख रही हूं मैं, और यहां पे मेरे पास members थे। सो पहला member था id, दूसरा member था मेरे पास name, और तीसरा member था मेरे पास salary का। इसमें हम जो यहाँ पर हमारे वेरिएबल्स बनाते थे मेन फंक्शन के अंदर, तो इस तरीके से लिखते थे struct emp e, right? और हम जब ये वेरिएबल बनाते थे उस टाइम पर जिस प्रकार हमारे नॉर्मल वेरिएबल्स बनते थे जैसे int a, उसी प्रकार हमारा ये e वेरिएबल बनता था। और फिर उसके बाद क्योंकि ये था उसका डेटा टाइप क्या था, struct emp, उसी प्रकार जिस प्रकार हम यहाँ पर पॉइंटर पी इक्वल्स टू एड्रेस ऑफ ए असाइन कर सकते हैं, उसी प्रकार हम यहाँ पर एक पॉइंटर बनाएंगे। लेकिन जब हम पॉइंटर पी इक्वल्स टू एड्रेस ऑफ ए परफॉर्म करते थे, असाइन करते थे, उस टाइम पर जो हमारा पॉइंटर होता था वो भी किस टाइप का होता था, इंटीजर टाइप का। इस लाइन का मतलब क्या हुआ करता था कि पॉइंटर पी उस वेरिएबल का एड्रेस कंटेन करेगा जिस वेरिएबल के अंदर वैल्यू इंटीजर टाइप की है। इसका मतलब ये नहीं है कि पॉइंटर पी इंटीजर टाइप का हो गया, इसका मतलब ये है कि जिस वेरिएबल को वो पॉइंट कर रहा है उसके अंदर एक इंटीजर वैल्यू है। सो उसी कॉन्सेप्ट को अगर यहां पर देखें तो हमारे पास डेटा टाइप तो क्या है, यहाँ पे स्ट्रक्ट ईएमपी नाम का डेटा टाइप है, तो इसलिए हमें पॉइंटर भी उसी टाइप का बनाना पड़ेगा जिस टाइप का डेटा वो वेरिएबल रख रहा है। तो हम यहाँ पे स्ट्रक्ट ईएमपी पॉइंटर पी इक्वल्स टू
एंड ऑफ ई। इस प्रकार हम हमारे वेरिएबल की एड्रेस की वैल्यू पॉइंटर पी में स्टोर कर सकते हैं, और फिर उसके बाद हम पॉइंटर्स के थ्रू हमारे दूसरे जो मेंबर्स हैं स्ट्रक्चर के उनको भी एक्सेस कर सकते हैं। किस प्रकार से, हमें अगर प्रिंट कराना है आईडी तो मैं यहाँ पे लिख दूंगी प्रिंट एफ परसेंटाइल डी, और यहाँ पर हम वहां पे नॉर्मली डायरेक्ट यूज करते थे डॉट ऑपरेटर का, वो भी हम यूज कर सकते हैं, लेकिन एक नया ऑपरेटर का हम यूज करेंगे मेंबर सिलेक्शन ऑपरेटर का, और उसे हम यहाँ पे लिख सकते हैं पी, यहाँ पे हम लिख देंगे आईडी, तो यहाँ पे ई लिखने की जरूरत नहीं है, आईडी लिख देंगे बस। तो ये लिखा क्या है यहाँ पे, पी ऐसा ऑपरेटर है, आईडी आपके कीबोर्ड में एक माइनस का और एरो ऑपरेटर होता है, इस प्रकार हम यूज करेंगे और लिख देंगे आईडी, और यहाँ पे लिखेंगे हमारे पॉइंटर का नाम। इस प्रकार हम यूज कर सकते हैं हमारे स्ट्रक्चर के मेंबर्स को। अभी तो हमने समझा कि नॉर्मल वेरिएबल्स में हम पॉइंटर का काम स्ट्रक्चर के टाइम पे कैसे कर सकते हैं। अब अगर हमारे पास वेरिएबल्स का एरे है, दैट मीन्स कुछ इस प्रकार है, स्ट्रक्ट ईएमपी ई 10, और मैंने यहां पर एक पॉइंटर बनाया स्ट्रक्ट ईएमपी पॉइंटर क्यू इक्वल्स टू, अगर मैंने यहां पे डायरेक्टली दे दिया ई इस प्रकार तो क्या हो जाएगा, या फिर मैंने डायरेक्ट सिर्फ ई लिख दिया तो क्या हो जाएगा, हमारा जो एरे है अलग अलग एम्प्लॉयज का, उस एरे का जो बेस एड्रेस है, फॉर एग्जाम्पल 1000 है, लेकिन उस वेरिएबल का भी एक एड्रेस है खुद का पर्सनल, वो सेव हो जाएगा बेस एड्रेस हमारे पॉइंटर के अंदर। तो इस तरीके से स्ट्रक्चर में हम पॉइंटर्स का यूज कर सकते हैं। इसमें हम एक और चीज देख सकते हैं, हम स्ट्रक्चर्स का, हमारा जो ये स्ट्रक्चर क्या होता है, एक यूजर डिफाइंड डेटा टाइप होता है, तो जिस प्रकार हम नॉर्मल डेटा टाइप्स का यूज कर सकते हैं हमारे फंक्शंस को बनाने के लिए, उसी प्रकार हम हमारे इस यूजर डिफाइंड डेटा टाइप का भी यूज कर सकते हैं दूसरे फंक्शंस, यूजर डिफाइंड फंक्शंस को क्रिएट करने के लिए। उसके लिए हमें किस प्रकार यूज करना पड़ेगा, फॉर एग्जाम्पल मैं एक फंक्शन बना रही हूं फन, तो उसे किस प्रकार बनाऊंगी, स्ट्रक्ट ईएमपी नाम का, स्ट्रक्ट ईएमपी हमारा क्या है, स्ट्रक्चर है, मतलब इस टाइप का मैं बना रही हूं एक फंक्शन, सो फन, जिसे मैं आर्ग्यूमेंट कुछ भी दे रही हूं अभी एग्जांपल के लिए, और इसकी वर्किंग भी कुछ भी, और रिटर्न लेकिन वो इसी टाइप का एक वेरिएबल करेगा, हम यहाँ पे जो रिटर्न करेंगे वो ई या किसी टाइप का कोई एक वेरिएबल को वो रिटर्न करेगा, फाइन। इस प्रकार से हम फंक्शन भी बना सकते हैं स्ट्रक्चर टाइप का। कॉलिंग किस प्रकार होगी, जिस प्रकार हमारे नॉर्मल फंक्शंस की कॉलिंग होती थी, हमने यहाँ पर मेन फंक्शन के अंदर या ग्लोबल स्पेस एरिया में भी struct emp e equals to fun, और इस प्रकार मैं कॉल कर सकती हूँ। सो ये है हमारा वर्किंग स्ट्रक्चर का पॉइंटर्स के साथ में और फंक्शन के साथ में। चलिए इसको प्रैक्टिकली देखते हैं हम। सो हम यहाँ पर अब देखते हैं हमारा प्रैक्टिकली कि किस प्रकार हम पॉइंटर को यूज कर सकते हैं, पॉइंटर्स के कॉन्सेप्ट को स्ट्रक्चर्स में। तो हमारे हेडर फाइल्स इंक्लूड कर देंगे हम साथ में ये भी देखेंगे कि नॉर्मल वेरिएबल्स में क्या फंक्शन था पॉइंटर का, और हमारे एरेज में क्या फंक्शन था पॉइंटर का, और स्ट्रक्चर में। सो कोनियो डॉट एच, यहां पे मैं एक स्ट्रक्चर बना रही हूं ईएमपी नाम का, और इस स्ट्रक्चर के अंदर मैं एक आईडी नाम का वेरिएबल बना रही हूं। अभी सिर्फ आईडी नाम का ही वेरिएबल बना रहे हो ताकि हम वर्किंग समझ पाए। इसके बाद हम यहां पे मेन फंक्शन के अंदर एक वेरिएबल बना रहे हैं हम ए नाम का, या फिर एक्स नाम का, एक एरे बना रहे हैं हम ए नाम का, और यहां पर हम स्ट्रक्ट ईएमपी डेटा टाइप का एक वेरिएबल बना रहे हैं ई, सो clrscr, और हम यहां पर एक पॉइंटर बना रहे हैं, एक इंटीजर टाइप का पॉइंटर बना रहे हैं p, और एक स्ट्रक्ट emp नाम का पॉइंटर बना रहे हैं q,
जिसे हम यहाँ पर वैल्यू असाइन कर रहे हैं, इनिशियल वैल्यू, क्योंकि अभी हम सिर्फ वेरिएबल की बात कर रहे हैं, यहाँ पर सिर्फ एक वेरिएबल है स्ट्रक्ट एम्प्लॉय नाम का, ठीक है। तो वो उस एक वेरिएबल की वैल्यू, दैट मीन्स जो हमारा एड्रेस है वो हम स्टोर कर रहे हैं पॉइंटर क्यू में। तो हमें, क्योंकि हम सिर्फ वेरिएबल का कर रहे हैं, तो हम यहाँ पर किस प्रकार करते थे, नॉर्मली एंड ऑफ एक्स इस तरीके से लिख देते थे। तो इसका लाइन का मतलब होता था कि पॉइंटर पी इज पॉइंटिंग टू द वेरिएबल एक्स। चलिए हम और सिंप्लीफिकेशन के लिए एक और पॉइंटर ले लेते हैं आर नाम का, और वो पॉइंट कर रहा है हमारे एरे के बेस एड्रेस को। सो जब हम एरे को पॉइंट करवाते थे किसी भी पॉइंटर को, तो उस टाइम पर हमें एड्रेस ऑपरेटर की जरूरत नहीं होती थी, क्योंकि ए जो हमारा यहाँ पर एरे है वो खुद एक इंटरनल पॉइंटर वेरिएबल की तरह वर्क करता है। तो हम इस तरीके से लिखते थे। लेकिन जब हम वेरिएबल को पॉइंटर पॉइंट करवाते थे किसी पॉइंटर से, तो हमें एंड ऑपरेटर का यूज करना पड़ता था एड्रेस के लिए। तो यहां पर भी, क्योंकि हम एक वेरिएबल को पॉइंट करा रहे हैं, तो यहां पर भी हमें यूज करना पड़ेगा एंड ऑफ ई इस प्रकार से, राइट। लेकिन अगर मैंने यहां पर एक और वेरिएबल यहां पर बनाया होता struct emp नाम का, emp ही रख दिया मैंने उसके वेरिएबल का नाम, और उसके पास फाइव एलिमेंट्स हैं ये भी, तो दैट मींस ये वेरिएबल्स का एरे हो गया है struct emp नाम का। तो उस केस में मैं यहां पर जो पॉइंटर एक और बना देती हूं, मैं यहां पर टी नाम का पॉइंटर, सो स्ट्रक्ट emp स्टार टी, उसे मैं वैल्यू जब अब यहां पर दूंगी emp की, तो एंड ऑपरेटर के साथ नहीं दूंगी, क्योंकि जब कॉन्सेप्ट एरे में था कि बेस एड्रेस हमारा इंटरनल पॉइंटर की तरह वर्क करता है, वही यहां पर कॉन्सेप्ट इस जगह पर भी है स्ट्रक्चर के वेरिएबल्स के एरे में भी, तो मैं यहां पर डायरेक्टली लिख दूंगी emp। दैट मीन्स टी के पास अब emp का बेस एड्रेस है, पॉइंटर क्यू के पास वेरिएबल ई का एड्रेस है जो कि स्ट्रक्ट emp टाइप का है, पॉइंटर पी के पास वेरिएबल एक्स का बेस मेमोरी एड्रेस है, और पॉइंटर आर के पास हमारे जो वेरिएबल ए है उसका बेस एड्रेस है, एरे का बेस एड्रेस है। ये हो गए हमारे। अब इन्हें हम वैल्यूज देते हैं, एक्स की वैल्यू फॉर एग्जांपल 10 दे दी मैंने, और यहाँ पे ई को हम वैल्यूज दे देते हैं, ई डॉट आई डी को मैंने वैल्यू दी है 1001। फिर उसके बाद मैंने यहाँ पर ए जो हमारा एरे है उसे हम वैल्यू दे देते हैं, तो एरे को इनिशियलाइज हम कर देते हैं, या फिर हम डायरेक्टली यहां पर दे देते हैं इनिशियलाइजेशन के टाइम पर ही दे देते हैं वैल्यू, सो इक्वल्स टू 1, 2, 4, 5 एंड 6, ये हमारी एरे की वैल्यूज हो गई। ई डॉट आई डी की भी वैल्यू हमने असाइन कर दी है, और इसके अलावा अब हमें हमारा जो एरे बनाया है हमने स्ट्रक्चर वेरिएबल का, उसको भी हम दे देते हैं वैल्यू, सो ई एम पी हमारे वेरिएबल का नाम है, सो ई एम पी जीरो इंडेक्स दैट मीन बेस एड्रेस जो है हमारा डॉट आई डी इक्वल्स टू मैंने दिया 1200। और इतना ही करके अब हम देख लेते हैं प्रिंट करा के क्या हमारा जो फंक्शनिंग हमने यहाँ पे पॉइंटर्स की करी है चारों केसेस में वो सही हुई है कि नहीं हुई है। तो पहला केस है हमारा प्रिंट एफ, इसमें हम प्रिंट करा रहे हैं नॉर्मल इंटीजर टाइप एरे, नॉर्मल इंटीजर टाइप एरे, सो परसेंटाइल डी यूजिंग पॉइंटर, ऑफकोर्स यूजिंग पॉइंटर प्रिंट करा रहे हैं, तो हम यहां पे लिख देंगे सिर्फ पॉइंटर पी इज डूइंग दिस, राइट। पॉइंटर पी लिखने पे क्या होता है, ऑफ पी लिखने पे क्या होता है। नेक्स्ट हमारा प्रिंट एफ है, किसे प्रिंट कराने के लिए, हमारे एरे ऑफ फाइव, या फिर सिर्फ एरे लिख देते हैं, एरे ऑफ इंटीजर टाइप परसेंटाइल डी, और यहां पे क्या प्रिंट होता है हमारे पॉइंटर, हमने आर दिया है ए को। नेक्स्ट हम प्रिंट करा रहे हैं प्रिंट एफ, हम यहां पे प्रिंट करा रहे हैं हमारे जो वेरिएबल नॉर्मल एक बना है स्ट्रक्ट एम्प्लॉय टाइप का, तो यहां पे हम लिख देते हैं स्ट्रक्ट ईएमपी वेरिएबल इक्वल्स टू, सो
यहाँ पे लिखेंगे परसेंटाइल डी न्यू लाइन, और यहाँ पे हम प्रिंट कराएंगे हमारा पॉइंटर कौन सा कर रहा है हमारे ई को, पॉइंटर क्यू, तो हम यहाँ लिखेंगे पॉइंटर क्यू। अब उसके बाद हम यहां पर प्रिंट एफ लास्ट है जो हमारा, जो हमारे एरे ऑफ स्ट्रक्चर वेरिएबल्स को प्रिंट करा रहा है। सो एरे ऑफ स्ट्रक्चर वेरिएबल्स परसेंटाइल डी न्यू लाइन, और हम यहाँ पे पॉइंटर टी करा रहे हैं प्रिंट। अभी हमारे सबके एड्रेसेस प्रिंट होंगे, गेट सी एच रिटर्न जीरो, सेव कर देते हैं, कंपाइल करते हैं, रन करते हैं। तो हमारा यहाँ पर नॉर्मल इंटीजर टाइप एरे जो हमने एक्स बनाया था उसे 10 वैल्यू मिल गई। एरे ऑफ इंटीजर टाइप हमारा जो नॉर्मल हमारा जो एरे था नॉर्मल उसका फर्स्ट वैल्यू है 1, तो एलिमेंट का वैल्यू 1 प्रिंट हो गई। स्ट्रक्ट emp वेरिएबल 1001, तो यहाँ पर हमारा जो नॉर्मल वेरिएबल स्ट्रक्ट emp टाइप का बना था उसको 1001 वैल्यू प्रिंट हो गई। और एरे ऑफ स्ट्रक्चर वेरिएबल पहले स्ट्रक्चर वेरिएबल की वैल्यू 1200 आईडी की प्रिंट यहाँ पर हो गई है। तो इस तरीके से पॉइंटर का वर्किंग होता है स्ट्रक्चर वेरिएबल्स और स्ट्रक्चर वेरिएबल के एरेज के साथ में। यहाँ पर हम जब वेरिएबल्स में, जब हम एरेज में बनाते थे हमारा पॉइंटर, तो अगर हमें एरे के बेस एड्रेस को पॉइंट करना था तो हम नॉर्मली इसी प्रकार लिख देते थे जैसे हमने लिखा है पॉइंटर आर इक्वल्स टू ए। बट अगर मुझे एरे के किसी एक पर्टिकुलर इंडेक्स को उस पॉइंटर को करना है तो उसके लिए मुझे लिखना पड़ता था एंड ऑपरेटर और यहाँ पर उस इंडेक्स का नाम, जैसे कि 2, तो 2 इंडेक्स पर वैल्यू यहाँ पर है 4, तो उस केस में यहाँ पर क्या प्रिंट होगा, हमारा वैल्यू 4 प्रिंट हो जाएगी। देखिए आप एरे ऑफ इंटीजर टाइप इक्वल्स टू 4, उसी प्रकार हम यहां पर अगर इस तरीके से कर देते हैं एंड और यहां पर हम डॉट emp डॉट emp 1 या 2 ले लेते हैं हम डॉट id, तो हमने अभी यहां पर कोई वैल्यू दी नहीं है तो हम यहां पे वैल्यू दे देते हैं emp 2 डॉट id को वैल्यू दे देते हैं हम 1400। अब हम इसको कंपाइल करेंगे तो एक वार्निंग आएगी, सस्पिशियस पॉइंटर कन्वर्जन, उसे समझ नहीं आ रहा है किस प्रकार हुआ है, ठीक है। लेकिन उसने वर्किंग कर दी क्योंकि एरे का उसे लॉजिक पता था कि एरेज में वर्क किस तरीके से होता है पॉइंटर, तो उसने उसी प्रकार से यहां पर भी वर्क कर दिया है। अब हम यहाँ पे फंक्शंस भी बना सकते हैं स्ट्रक्चर टाइप के, तो स्ट्रक्ट एम्प्लॉय टाइप का आप यहाँ पर फंक्शन भी क्रिएट कर सकते हैं।